बाकी चलते हैं। क्या बोल सकते हैं इनमें जैन मान वगैरह होती है वो बनी हुई जिनको वो वगैरह को पहन के वो लड़ाई कर देख सकता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहले के लकड़ी देख सकते हैं, जैसे कि हल्दीघाटी का युद्ध हुआ तो इन्होंने बने हुए हाँ वजीर वगैरह। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, आई होप मज़े में होंगे। इसी के साथ मैं अजमेर संग्रहालय जो कि मारना पड़ता है और मैगजीन संग्रहालय के नाम से जाना जाता है और ये गोलपे और सर्किल के पास में बना हुआ है। इसमें राजा महाराजा की पुरानी बंदूक और संदूक वगैरह और जो वो औजार वगैरह पहन के लड़ते थे वो सब रखे हुआ है। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में बताऊँगा और क्या चार्ज लगता है वो भी बताऊँगा, पूरी जानकारी दूंगा। चलते हैं फिर शुरू करते हैं ब्लॉग। जैसे कि आप लोग आओगे तो आपको स्टूडेंट हो तो 20 रुपीज़ का टिकट पड़ेगा और स्टूडेंट टूरिस्ट हो तो आपको 50 रुपीज़ का टिकट पड़ेगा। जैसे कि हमने दो टिकट ले लिए, मैं और मेरा फ्रेंड है, जैसे कि देख सकते हैं आप मेरे पीछे। बाकी लेट्स गो स्टार्ट, दिखाते हैं। जैसे कि आपको सामने काउंटर दिख रहा होगा वहाँ से आपको टिकट मिलेगा। वहाँ से टिकट लेने के बाद में आप लोग देख सकते हो जहाँ से आप लोगों को एंट्री करनी है, ये एंट्री गेट है और ये आपकी टिकट देखेंगे। जैसे कि हमारी टिकट देख चुके हैं और ये थोड़ी सी क्रॉस करके फाड़ देंगे। बाकी लेट्स गो स्टार्ट। जैसे कि आप लोग अंदर आओगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। पहले इसको अकबर के किले के नाम से जाना जाता था लेकिन अभी ये म्यूज़ियम बना दिया गया है जिसमें राजा महाराजा के पुराने औजार जैसे तलवार बंदूक वगैरह जो भी होती थी वो सिर्फ चीज़ रखी हुई है इसमें। बाकी हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को, चलते हैं। देख सकते हैं ये लिख रखा फर्स्ट एंट्री गेट है, यहाँ से अपन को एंट्री करनी है। बाकी चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे कि देख सकते हैं पुरानी कलाकारी है कुछ। जैसे इसी के सामने भी बना हुआ है कुछ पुराने पत्थर रख रखे हैं, मतलब पहले के जमाने के। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कितना बड़ा घड़ा है और ये कम से कम 500 साल पहले जब फर्स्ट खुदाई हुई थी नरवर गांव से मिला था ये घड़ा। आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा घड़ा है, कम से कम 3.5 फीट का है। इसमें पहले के लोग गेहूँ वगैरह रखा करते थे जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अजमेर से 20 किलोमीटर दूर नरवर गांव, उस गांव में मिला था ये घड़ा। बाकी आप ये देख सकते हो पुराने भाटे वगैरह ईंटें वगैरह जो होती थी वो अभी भी सेव करके रख रखी हैं अच्छे से। आप ये देख सकते हो बाकी आप लोग देख सकते हो ये पुराने मग और बाकी ये कुछ हड्डियाँ वगैरह और ये शंख के टुकड़े वगैरह रख रखे इन्होंने कुछ पहले के ज़माने के। और ये मूर्ति देख सकते हो आप कितनी अद्भुत कलाकारी, कितनी छोटी सी चीज़ पे कितनी बारीक बारीक डिजाइनों से उन्होंने पता नहीं क्या क्या बना रखा है, देख सकते हो आप। जैसे आप देख सकते हैं पशु और पशु की आकृति वगैरह कुछ बनी हुई है यहाँ पर। ब
बाकी और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। अब बाहर निकलेंगे, अब हम सेकंड गेट में घुसेंगे, घुसना बाकी, चलते हैं अंदर एंट्री करते हैं। देखने में काफी सुंदर है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। देख सकते हो आप यहाँ पे काफी 500 साल पुरानी मूर्ति वगैरह है, देख सकते हो आप, पार्वती की मूर्ति है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। देख सकते हो आप कृष्णा जी की मूर्ति है 20वीं शताब्दी की। शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है 14वीं से 16वीं शताब्दी। इनका मंदिर भी बना हुआ है पुष्कर में, वो ब्लॉग भी मैं बनाऊंगा जल्दी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुबेर जी की मूर्ति है, उसमें 11वीं शताब्दी की, मतलब 11वीं शताब्दी की मूर्ति है, और वहाँ पर है गणेश जी की मूर्ति है। बाकी चलता है, बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ इन्होंने LED वगैरह लगा रखी है साउंड के साथ, जैसे कि अजमेर का किला खुलता है 9:45 से 5:15 तक। लेट्स गो, चलते हैं आगे। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की मूर्ति है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कितनी सुंदर है देखने में। जैसे कि लक्ष्मी जी की मूर्ति है और ये विष्णु जी की मूर्ति, ये भी 11वीं शताब्दी की है। ये गणेश जी की मूर्ति है 11वीं शताब्दी की, पर और ये विष्णु जी की। चलते हैं बाहर और आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें संग्रहालय में। नंबर गेट है चित्रशाला में वस्त्र, चौथे नंबर गेट में अब एंट्री करते हैं, हम दिखाते हैं बाकी कुछ इस तरीके से दिखेगा ये अंदर आपको, बाकी आगे चलते हैं। हाँ गए, तो बुलबुलिया टाइप का लग रहा है गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी बुलबुलिया में आ गए हो। जैसे कि पुरानी पेंटिंग वगैरह है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ पुरानी पेंटिंग वगैरह बनी हुई है। सकता है लोग शादी पार्टी में ब्लेजर पहनते हैं, वैसे इनका शाही कोट है देख सकते हैं आप, 20वीं शताब्दी का ये शाही कोट है उनका, जिनको वो पहना करते थे।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पांचवे नंबर में है जैन दीप। बाकी चलते अंदर दिखाते हैं आप लोगों को, ये जैन लोगों की मूर्ति वगैरह बनी हुई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जैनियों के जो महाराज होते हैं, और ये 11वीं से 12वीं शताब्दी की है। पशुनाथ जी की मूर्ति है ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पुरानी और काफ़ी सुंदर है दिखने में। देख सकते हैं इनमें जैन महाराज की जो भी पुरानी शैली वगैरह होती है पत्थरों से वो बनी हुई है, पुरानी मूर्ति वगैरह होती है वो बनी हुई है। बाकी चलते आगे और दिखाते हैं आप लोगों को। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखता है अजमेर संग्रहालय। जैसे कि आप लोग देख सकते हो पहले के टाइम में जो लड़ाई होती थी 500 पूर्व पहले, तो इस टाइप का कुछ कवच वगैरह पहनते थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। जैसे कि एक लोग देख सकते हैं, एक वो है और एक ये है, इस कवच वगैरह को पहन के वो लड़ाई करा करते थे पहले के टाइम में। और बाकी देख देख सकते हो आप पहले के कवच वगैरह कितने बड़े कवच हो रहे हैं। तो बाकी चलते हैं क्योंकि 5 बज गई है और ये बंद होने वाला 5:15 बजे तक बंद हो जाता है। चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहले के लकड़ी के तीर वगैरह इस टाइप के होते थे। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं बंद होने वाला है तो जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा हमारे को, कार साहब ने हमारे को। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हल्दीघाटी का युद्ध हुआ तो इन्होंने यहीं पे बैठकर वो प्लानिंग वगैरह बनाई थी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्टैचू बने हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफी सुंदर और काफी अच्छा बना हुआ अकबर का किला वाकई में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान और भी कुछ भी मीटिंग वगैरह होती तो वो इनको बताते थे, और कुछ भी पहले के ज़माने में पत्र वगैरह लिखाना होता था तो वो इनको बोलते थे, मतलब तो अकाउंटेंट, आज के टाइम में बोले तो अकाउंटेंट, ये उनके अकाउंटेंट थे, जो भी वो बोलते थे वो लिखते थे ये, और पत्र वगैरह सब इनके पास आते थे तो ये पढ़ के सुनाते थे। बाकी चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कैंटीन वगैरह बनी हुई है, आप लोगों को कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी खाना पीना हो तो आप लोग खा पी सकते हैं। बाकी कैंटीन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, मेरे पीछे दिख ही रही होगी, बाकी मैं आप लोगों को कैमरा घुमा के चल दिखाता हूँ। कैंटीन वगैरह बनी हुई जो आप लोग खा पी सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि अजमेर से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो।